नमस्ते बुरहानपुर, एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फल आर्ट्स एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, JEE एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पिछले एक हफ्ते से 10 से अधिक वार्डों में दूषित पानी का सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण डायरिया फैला है। ये महामारी का रूप लेते जा रहा है, लेकिन इस चीज को मानने को नगर निगम तैयार नहीं है। महापौर माधुरी पटेल से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि डायरिया फैल रहा है, मौतें हो रही है बच्चों की, तो वो मीडिया पर ही भड़क गए और मीडिया से कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमने 3-3 बार PHE में जांच सैंपल भेजा है पानी का, उसमें किसी भी प्रकार के कोई कीटाणु या किसी भी प्रकार का दूषित पानी नहीं है, लेकिन PHE की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें साफ तौर पर है कि इसमें पानी में बैक्टीरिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया था, जिसके कारण पानी दूषित हुआ और उसको पीने के बाद लोगों में बीमारियां फैल गई है। इससे अब तक करीब 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 से 7 बच्चे हैं, वही 3 से 4 बड़े लोग हैं। आप खुद देखिए किस तरीके से ये रिपोर्ट जारी हुई है, किस तरीके से उन्होंने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के दावों को झुठला दिया है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर मौत हो गई है। इसी पूरे मामले को लेकर भोपाल से एक महामारी विशेषज्ञ भी पहुंचे हैं बुरहानपुर। उन्होंने जिला अस्पताल और इन प्रभावित वार्डों का दौरा किया है, उसके बाद वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। ये जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन अभी भी मुस्तैद नहीं है, जबकि पानी पीने से लोग मौत हो रही है और ये पानी अभी भी नगर निगम की टंकियों में है, जिसके कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ है, यहाँ पे मरीज रोज 100 मरीजों की OPD हो रही है, जो दूषित पानी से यहाँ पहुंच रहे हैं, जिन्हें डायरिया हो रहा है। बहरहाल अब इन मौतों के बाद जिला प्रशासन को सख्त होना चाहिए और यहाँ के नेताओं को भी जागना चाहिए। वो चुनाव में लगे हैं फिलहाल, लेकिन कलेक्टर भव्या मित्तल को भी संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जांच कराना चाहिए और इन प्रभावित लोगों को लाभ देना चाहिए। यहाँ के जिले के नर्सिंग होम जो है प्राइवेट है, उनको भी अधिकृत करके यहाँ पे इलाज की व्यवस्था करना चाहिए। हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिली खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखकर उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। अस्पताल में अभी जितने भी प्रकरण आ रहे हैं उनके लिए वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बेड बनाया गए हैं, सब वार्ड बनाए गए हैं जहाँ पे केसेस को एडमिट किया गया है। और पहले बच्चों के प्रकरण ज़्यादा आ रहे थे, पर अभी टचवुड बच्चों के प्रकरण कम हो गए हैं। केसेस हमारे यहाँ जितने आ रहे हैं वो माइल्ड से मॉडरेट के बीच में आ रहे हैं, सीवियर केसेस नहीं आ रहे हैं, और जिनको 1 या 2 दिन में तत्काल डिस्चार्ज भी कर दिया जा रहा है। तो अगर आप प्रकरण की संख्या देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपको डिस्चार्ज की संख्या भी देखनी चाहिए। और यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन भी दी जा रही है, पर्सनल हाइजीन के लिए भी समझाया जा रहा है। हाँ, बस एक शहर में IC एक्टिविटी थोड़ा होना चाहिए, जिसके लिए कलेक्टर मैडम से बात कर ली गई है, कमिश्नर सर से बात करी गई है कि वो हेल्थ एजुकेशन और लोगों को, और जैसे गर्मियों के पहले और बरसात के पहले जो जिन बेसिक चीज़ों का ध्यान, आप लोगों भी नगरवासी के होने के नाते उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उन पर काम करना है। क्या कारण आया सपने का, क्या है? देखिए अभी क्या है, सैंपल गए हुए हैं, अभी जांच जारी है, तो अभी कारण जब तक रिजल्ट नहीं आते, कोई भी आउटब्रेक जो है सैंपल रिजल्ट नहीं आते तब तक उसका डिक्लेरेशन किस कारण से हुआ नहीं दिया जा सकता। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।